Press the bell icon to never miss a video from testbook.com. हेलो एंड वेलकम टू testbook.com. सो गाइज, आज के लिए वेरी सॉरी, बहुत सारा वेट करना पड़ा. टेक्निकल इश्यूज हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो हमारे हाथ में नॉर्मली नहीं हो पाती है, सो उनको रिजॉल्व करने के लिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है. आई एम वेरी सॉरी कि आज आपने बहुत वेट किया, और थैंक यू सो मच कोऑपरेट करने के लिए भी एज वेल. सो गाइज, आज का जो सेशन है वो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन ब्लड पर है, यानी कि रेलवे हो गया, SSC हो गया, CGL हो गया, CHSL हो गया, MTS हो गया, कोई भी टॉपिक हो गया, कोई भी एग्जाम हो गया, हर एग्जाम में आपको ब्लड और सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड क्वेरी हमेशा मिलेंगी. सो ब्लड से रिलेटेड टॉपिक्स और क्वेश्चंस के लिए ही आज हम यहाँ पर हैं. कम ऑन गाइस, अब हम लोग पढ़ने के उसमें आ गए हैं, मोड में. सो चालू करते हैं अपने आज का सेशन. तो हमेशा की तरह एक क्वेश्चन जो हमेशा मैं आपसे पूछती हूँ, दैट इज आर यू गाइस रेडी और नॉट. जल्दी से आंसर करिए, तो हम अपने सेशन को फटाक से स्टार्ट करें. कम ऑन गाइस, आंसर कर दीजिए, आप लोग रेडी हैं या नहीं, या स्टार्ट करें हम लोग सेशन. यस और नो में आंसर करना है. तिलक गुप्ता जी, बिल्कुल नाम लिया जाएगा, क्वेश्चन आने दीजिए, आंसर्स आने दीजिए, आपका नाम बिल्कुल आएगा. ओके, सो धर्मेंद्र जी, दिलकुश जी, चौरसिया जी और अर्णव राणा जी, प्रदीप जी, सभी कह रहे हैं कि भैया स्टडी मोड ऑन कर दो, और यस वी आर रेडी. सो ओके, आप लोगों की फरमाइश पे आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, RBC डू नॉट परफॉर्म एरोबिक रेस्पिरेशन बिकॉज दिस डू नॉट कंटेन व्हाट. यानी कि पहला क्वेश्चन ये है कि RBC जो है उनमें एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि ऑक्सीकृत रेस्पिरेशन नहीं होता है, किसके कारण नहीं हो पाता है, या क्या ऐसी चीज है जिसके कारण ऑक्सीकृत रेस्पिरेशन होगा. क्वेश्चन प्लीज. स्टनिंग स्टडी, नाम तो रख लो यार तुम अपना सही, तभी ना नाम लेंगे तुम्हारा. कम ऑन गाइस, पहला क्वेश्चन. भाई अब 126 बच्चे मरवाओगे. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, एंड द क्वेश्चन सामने है आपके कि RBC वायु श्वसन, या कहिए ऑक्सी श्वसन नहीं करते हैं, क्योंकि इनमें से क्या मौजूद नहीं होता है. कम ऑन गाइस, क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन का. क्वेश्चन नहीं आया, देखो भाई क्वेश्चन आ रहा होगा, आ गया, आएगा. ओके, क्वेश्चन फ्लैश हो गया है शायद, आई थिंक सो. क्वेश्चन मिला गाइस? ओके, चलिए क्वेश्चन मिल गया है तो आंसर जरूर मिल जाएगा. और प्रदीप यादव कह रहे हैं बी, अमन कह रहे हैं बी, सोविक भी बी कह रहे हैं, प्रदीप बी, सिद्धांत चौहान अलग ही दुनिया में स्माइल कर रहे हैं, बी. अभिजीत कुमार इज द वन. अभिजीत कुमार पहले ऐसे व्यक्ति हैं भैया जिन्होंने आंसर किया है और सही आंसर किया है, वेरी गुड अभिजीत. तो RBC बेसिकली एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं परफॉर्म कर पाती है ड्यू टू द लैक ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. उनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, इस वजह से RBCs में आपका ऑक्सीकृत श्वसन या आपका एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं हो पाता है. क्लियर है? ओके, सो आंसर गाइस. ओके, चौधरी जी ने कहा है ए, ठीक है. ओके, सो आंसर इज फर्स्ट, यानी कि आपका माइटोकॉन्ड्रिया इज द राइट आंसर. किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द ब्लड ग्रुप वॉज डिस्कवर्ड बाय, या ब्लड ग्रुप वर डिस्कवर्ड बाय, आपके जो रक्त समूह है उन रक्त समूह की खोज किसने की थी. ये क्वेश्चन बहुत नॉर्मल है और आपको इसका आंसर डेफिनेटली आता होगा, क्योंकि जब भी हम ब्लड चैप्टर पढ़ते हैं तो इस ये वाला जो चीज है या ब्लड ग्रुप की जो स्टार्टिंग है इसको हम हमेशा पढ़ लेते हैं, है ना. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि भाई ब्लड ग्रुप को किसने. विश्वजीत जी, नॉर्मल जो ह्यूमन बीइंग होते हैं वो आपके एरोबिक रेस्पिरेशन को परफॉर्म करते हैं, बस
जो आरबीसीज है वो नहीं करती. अपार्ट फ्रॉम आरबीसी ह्यूमन बॉडी में जितनी भी जो सेल्स है वो एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करेंगी. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने और मुझे लग रहा है इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए सभी एलिजिबल हैं. सो राइट आंसर भी आप लोगों ने दिया, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. 1900 के टाइम पे कॉर्ल लैंडस्टीनर, ओके सो राइट आंसर इज लैंडस्टीनर. कॉर्ल लैंडस्टीनर ने आपके ब्लड ग्रुप यानी कि रक्त समूह की खोज करी थी और ये ब्लड ग्रुप उन्होंने डिफाइन किए थे. साथ ही साथ याद रखो कि ए ओ बी सिस्टम को भी यहां पर कॉर्ल लैंडस्टीनर ने दिया था. क्लियर इतनी बात, ओके ठीक है. सो ये भी याद रखोगे कि ए ओ बी सिस्टम भी कॉर्ल लैंडस्टीनर ने दिया था और ब्लड ग्रुप भी इन्होंने डिफाइन करे थे. बेसिकली उसी ए ओ बी सिस्टम के हिसाब से इन्होंने ब्लड ग्रुप को डिफाइन किया था. क्लियर, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि ब्लड फेल्स टू क्लॉट वाइल फ्लोइंग द ब्लड वेसल्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस. मतलब ये कि रक्त वहनिकाओं में आपका जो ब्लड है वो क्लॉट नहीं होता है, वो नॉर्मली फ्लो होता है. तो ऐसी क्या चीज है जिसके वजह से ब्लड वेसल्स में ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता है. बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये. क्वेश्चन कई बार आ चुका है, मतलब ऐसा ही एक क्वेश्चन का टाइप आया है, इसलिए मैंने थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके क्वेश्चन को रखा है. गाइस क्वेश्चन का आंसर सौरभ कह रहे हैं फोर्थ यानी कि फाइब्रिनोजन. गोस्वामी जी, सॉरी मैं आपका नाम तो नहीं देख पाई, गोस्वामी जी ने बोला हिपेरिन. ओके राजेश कुमार हिपेरिन कह रहे हैं, सोवित हिपेरिन कह रहे हैं, ठीक है सही है आंसर. देखिए राइट आंसर इज हिपेरिन. अब सुनो, हिपेरिन बेसिकली एक प्रोटीन होती है. हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले हिपेरिन क्या है, तो हिपेरिन एक प्रोटीन है ओके विच इज प्रोड्यूस इन लिवर, जिसका उत्पादन कहाँ होता है, लिवर में होता है ओके. हिपेरिन एक प्रोटीन है जिसका उत्पादन लिवर में होता है, जो एंटी क्लॉटिंग एजेंट है यानी कि रक्त को जमने नहीं देती है. क्लियर है, आप हिपेरिन के आगे ये भी मेंशन कर लो कि इट इज अ एंटी क्लॉटिंग एजेंट, ये रक्त को जमने नहीं देती है, इसको भी मेंशन कर लो. राइट आंसर आ गया है सिद्धांत चौहान ए, पंकज सिंह राजपूत ए, सही है विकास आनंद ए, कृष्णकांत शर्मा ए, वेरी गुड सही है आंसर हिपेरिन होगा गाइस. ओके बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और बताते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. आज के क्वेश्चंस काफी अच्छे लैंग्वेज में रखे हैं ताकि आपको थोड़ा सा एक अप लेवल मिल पाए. सो क्वेश्चन है आपका, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्रेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गेट मिक्स्ड. ऐसा कौन से आपके कशेरुकाएं होती हैं जिनमें ऑक्सीकृत और अनऑक्सीकृत यानी कि प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड मिक्स हो जाता है और देन आफ्टर वर्क करता है, उनका नाम बताना है. ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है विक्की चौहान, वेरी गुड सही दिया आपने लास्ट क्वेश्चन का आंसर. अजय कुमार रामकृपाल जी राइट आंसर. अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे इसको बताइए. शोभित मित्रा कह रहे हैं एम्फीबियन फ्रॉग, वेरी गुड. और देखते हैं सोनी राहुल कह रहे हैं फिश. ये सोनी राहुल जी बहुत बात कर रहे थे उस समय, है ना. ओके एम्फीबियन कह रहे हैं सभी लोग, ठीक है ओके. मैमल्स नहीं, मैमल्स तो यार मैमल्स हो ही नहीं सकता, मैमल्स कैसे टिक कर रहे हो. ओके सो राइट आंसर बताते हैं, एंड द राइट आंसर इज एम्फीबियन फ्रॉग यानी कि मेंढक वगैरह में आपके हमेशा प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड एक जगह पे आके मिक्स होता है, देन आफ्टर वो वर्क करता है. जबकि मैमल्स यानी कि स्तनधारी या ह्यूमन में आपके प्रॉपर ऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग वेन्स में होगा या और आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरीज में होगा, दोनों के लिए अलग अलग ट्यूब्स होंगी. क्लियर है ओके. एम्फीबियन ऐश्वर्या जी कह रहे हैं एम्फीबियन सही है बिल्कुल. चलिए धर्मेंद्र जी का भी एम्फीबियन. ओके गाइस सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं और देखते हैं हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी इजी है थोड़ा सा. द टर्म आरएच फैक्टर रिफर्स टू, जो आरएच फैक्टर होता है ब्लड में, हम लोग बोलते हैं ना ब्लड ग्रुप ओ आरएच पॉजिटिव, ब्लड ग्रुप ओ आरएच नेगेटिव, तो उसमें वो जो आरएच है उसका मतलब क्या है.
मनीष कुमार जी, फिक्स टाइम 8:30 का है, बट आज टेक्निकल इश्यूज के वजह से क्लास डिले करनी पड़ी। वैसे कल मैं आपको और आगे आने वाले दिनों में मैं आपको 8:30 पे मिलूंगी। ओके, सी आंसर आ रहा है लोगों का कि रीसस कारक, सही है। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इस क्वेश्चन पे। तो देखो, आपके 1948 के टाइम पर दो साइंटिस्ट थे, एक था कार्ल लैंडस्टीनर और एक थे वीएस वीनर। ओके, इन दोनों ने रीसस मंकी, ये एक मंकी था, इस मंकी के ब्लड में एक प्रोटीन को डिस्कवर किया और इसी के शुरू के अल्फाबेट के नाम पर इन्होंने इसको नाम दिया, दैट इज आरएच। तो आरएच का मतलब मंकी, यानी कि बंदर की एक प्रजाति, दैट इज फॉर रीसस मंकी था। और थ्योरी ये दी गई कि भैया जिसके ब्लड में, जिसके रक्त में या ब्लड ग्रुप में आरएच फैक्टर होगा प्रेजेंट, वो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा, और जिसके ब्लड ग्रुप में आरएच फैक्टर नहीं होगा वो ब्लड ग्रुप नेगेटिव होगा। कुछ ऐसी थ्योरी दी गई, इसलिए ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ऐसे डिवाइड होता है। ठीक है, दिव्यांशु गुप्ता, बिल्कुल दिल्ली सल्तनत की क्लास मिलेगी। एक्चुअली एसएससी और रेलवे वगैरह में आपके बायो के क्वेश्चंस बहुत होते हैं, इस वजह से जल्दी सोच रहे हैं कि पहले बायो सीरीज निपटा दें, फिर हम लोग हिस्ट्री पे भी आ जाएंगे। ठीक है, ओके, ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और बताते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एट वेरी हाई एल्टीट्यूड द आरबीसी सेल्स इन ह्यूमन विल, यानी कि आपके बहुत ज्यादा ऊंचाई पर जो आपकी रेड ब्लड सेल्स हैं, जो आपकी आरबीसीज हैं, वो आरबीसीज में क्या होता है, नंबर बढ़ता है उनका, या फिर वो डिक्रीज होती है साइज में, या फिर इंक्रीज इन नंबर होती है, क्या है? सिद्धांत चौहान जी, बिल्कुल 8:30 प्रॉमिस है, लेकिन टेक्निकल इश्यूज हुए तो फिर यार मेरा प्रॉमिस वहां पे थोड़ा सा डिसॉल्व होगा। ठीक है, ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि बहुत अधिक ऊंचाई पर मानव रक्त में क्या होता है या आरबीसीज में क्या होगा। सी बोल रहे हैं सब लोग, यानी कि संख्या में वृद्धि, यानी कि इंक्रीज इन नंबर। आपके जब भी बेसिकली हाई एल्टीट्यूड होता है तो हमेशा जो आरबीसीज है उन आरबीसीज की संख्या हमेशा बढ़ती है। ठीक है, ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और बताते हैं आपको आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते इस क्वेश्चन पे, क्योंकि आंसर आप लोगों को पता है इस क्वेश्चन का, जहां एक्सप्लेन करना होगा वहां मैं जरूर एक्सप्लेन करूंगी। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिसीज विच कॉज नॉर्मल एंड अनकंट्रोल्ड इंक्रीज इन डब्ल्यूबीसी काउंट। बहुत सही है, जब भी डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ती है तो कौन सी डिसीज होती है, कौन सा रोग होता है, सीधा सा उन्होंने ये पूछा है। इस क्वेश्चन का आंसर करो ताकि मैं आपको एक क्वेश्चन और यहां पर एक्स्ट्रा बता पाऊं। पूजा शर्मा कह रही है ल्यूकेमिया, ठीक है, प्रदीप जी कह रहे हैं ल्यूकेमिया, शोवन जी ल्यूकेमिया, आनंद कुमार ल्यूकेमिया, विपिन, इर्शाद, श्याम, आयुष, वेरी गुड, विकास, सुबोध, ठीक है, सब ल्यूकेमिया कह रहे हैं, सही है। सो जो ब्लड कैंसर होता है या जो ल्यूकेमिया होता है वो बेसिकली आपके तब होगा जब डब्ल्यूबीसी यानी कि वाइट ब्लड सेल्स की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है, इंक्रीज होने लगती है, तब ल्यूकेमिया जैसी डिजीजेस सामने आती है। सो याद रखोगे कि जब डब्ल्यूबीसी बढ़ेगी तो ल्यूकेमिया होगा, जब आरबीसी घटेगी तो एनीमिया होगा। ओके, ये दो केस याद करके चलोगे। ठीक है, ओके, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और बताते आपको नेक्स्ट क्वेश्चन। And the next question is, in a newborn RBC produced in एक नवजात शिशु में red blood cells यानी कि RBCs का production कहाँ होता है या RBCs कहाँ बनते हैं, इस question का answer देना है। Hello अजय जी, आप please answer करिए। निशा चौधरी ने उस चीज को मेंशन भी किया है, थैंक यू निशा, सही है। शोभित मित्रा जी कह रहे हैं बोन मैरो, पूजा शर्मा कह रही है बोन मैरो, चौधरी जी एक थे, मैं नाम नहीं पढ़ पाई, आंसर सही था उनका। वेल, इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं, सुनो मेरी बात,
कि जब भी एक एडल्ट का केस होगा, जब भी एक वयस्क मनुष्य का केस होगा, तो जो आरबीसीज है वो हमेशा बोन मैरो में प्रोड्यूस होंगी, और जब भी केस किसी न्यू बॉर्न किसी नवजात शिशु का होगा तो जो आरबीसी बनती है वो होती है लिवर में. ओके, क्लियर? सो आंसर यहां लिवर होगा. ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. बेटा बी यानी कि न्यू बॉर्न तब होगा जब आपसे क्वेश्चन एडल्ट के लिए पूछा जाएगा. न्यू बॉर्न के केस में लिवर याद रखोगे, ठीक है? तो लाल रक्त कणिकाओं का उत्पादन एक नवजात शिशु में यकृत में होता है, एक वयस्क मनुष्य में एडल्ट में होता है. क्लियर है? उद्देश्य मेहता जी, बिल्कुल ओके, ठीक है, सही आंसर. ओके, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. वो बताते हैं आपको आज का नेक्स्ट क्वेश्चन. आई होप सो क्वेश्चन का टाइप अच्छा मिल रहा होगा, क्वेश्चंस अच्छे मिल रहे होंगे, ठीक है? मिल रहे हैं या नहीं, हाँ या ना बता दो जल्दी से. और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोल्ड ब्लडेड. निम्न में से कौन से जीवधारी या प्राणी बेसिकली ठंडे खून या कोल्ड ब्लडेड होते हैं? स्प्लीन नहीं होगा, स्प्लीन में तो डेथ होती है आरबीसीज की. गाइस क्वेश्चन का आंसर करिए जल्दी से. क्वेश्चन आपके सामने है कि आपको बताना है कोल्ड ब्लडेड प्राणी या कोल्ड ब्लडेड के आंसर करने हैं. बी कह रहे हैं सब लोग, यानी कि टोटोइस कह रहे हैं. सही आंसर. वेल, इस क्वेश्चन का राइट आंसर कोल्ड ब्लडेड जो है वो सही आंसर दिया आप लोगों ने. टॉर्टाइज, नवीन राज, वेरी गुड. टॉर्टाइज यानी कि जो आपका कछुआ है वो होता है कोल्ड ब्लडेड एनिमल, ठीक है? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. पीजन नहीं होगा गाइस, मुझे लग रहा था पीजन में कंफ्यूजन हो सकता है आप लोगों को, लेकिन याद कर लो कि टॉर्टाइज इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मेटल प्रेजेंट इन ब्लड इज, यानी कि रक्त में खून में एक धातु मौजूद होती है, वो धातु कौन सी है? देखो बॉडी की बात नहीं हो रही है कि आप ऑप्शन कुछ और लगा दो, वो केवल ब्लड में आपके मेटल पूछ रहे हैं. गाइस आंसर करिए कि मेटल कौन सी प्रेजेंट होती है ब्लड में. आयरन बोल रहे हैं सब लोग, और थैंक यू मुझे, मतलब गलत ठहराने के लिए थैंक यू, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ऑलमोस्ट स्टूडेंट इसमें कैल्शियम टिक कर देगा. वेल, इस क्वेश्चन का राइट आंसर यानी कि ब्लड में कौन सी मेटल होती है, तो ब्लड में जो मेटल होगी दैट इज आयरन, ठीक है? वो पढ़ा होगा ना, ब्लड कंटेन आयरन कंटेनिंग पिगमेंट हीमोग्लोबिन. तो भाई वो जो आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है यानी कि ब्लड में कौन सा मेटल आ रही है, तो आयरन आ रही है, दैट इज हीम. हीम क्लियर है? ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. और बताते हैं आपको आज का नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पर्सन ऑफ ब्लड ग्रुप ए बी कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम अ पर्सन ऑफ, यानी कि अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए बी है तो व्यक्ति किससे ब्लड ग्रहण कर सकता है, किससे ब्लड एक्सेप्ट कर सकता है, इस क्वेश्चन का आंसर देना है. मुकेश चौधरी बिल्कुल सही, बोन में कैल्शियम होता है, सही है? थैंक यू चंदन जी. चलिए ओके, ए और डी आंसर आ रहा है सभी का, यानी कि कोई भी रक्त समूह. मुझे लग रहा है सबको ये कॉन्सेप्ट पता है, सही है? वेल, ए बी जो है वो आपका ए बी ब्लड ग्रुप जो है वो आपका यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है, यानी कि सर्वग्राही होता है. इसके वजह से ये ब्लड एक्सेप्ट कर सकता है ए से भी, एक्सेप्ट कर सकता है बी से भी, ए बी से भी और ओ से भी, ठीक है? क्योंकि यूनिवर्सल एक्सेप्टर है. अगर यहाँ पे ओ हो जाता तो वो सबको ब्लड डोनेट कर सकता था, क्योंकि वो यूनिवर्सल डोनर होता है. क्लियर है? ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड सेल्स इज कंपल्सरी फॉर ब्लड कोगुलेशन. ब्लड कोगुलेशन का मतलब होता है ब्लड क्लॉटिंग,
ठीक है, रक्त का थक्का जमना, तो पूछ रहा है कि कौन सी ब्लड सेल, और क्वेश्चन देखो ब्लड सेल पूछा है, प्रोटीन नहीं पूछा है कि फाइब्रिनोजन टिक करोगे, कौन सी ब्लड सेल आपके ब्लड को क्लॉट करने में रिस्पॉन्सिबल है या ब्लड क्लॉटिंग में पार्टिसिपेट करती है। बहुत जनरल सा क्वेश्चन है, अगर आपने ब्लड क्लॉटिंग पूरी पढ़ी हो तो आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली आंसर कर सकते हो। पूजा शर्मा कह रही है प्लेटलेट्स, और सभी लोग, दीक्षा ने WBC आंसर किया, ओके सभी का आंसर ए है। वेल जिनको नहीं पता है तो बता दें, आपकी जो प्लेटलेट्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर प्लेटलेट्स होगा। प्लेटलेट्स का फंक्शन पढ़ते हो, सेट्स ऑफ ब्लड, ये रक्त का थक्का जमाने में सहायक है, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग में जो एक सेल पार्टिसिपेट करती है वो एक सेल आपकी प्लेटलेट्स है। RBC नहीं करेगी, WBC नहीं करेगी, केवल प्लेटलेट्स विल पार्टिसिपेट इन द ब्लड क्लॉटिंग या रक्त को जमाएंगे। ओके अच्छा, इसमें एक चीजें बता देते हो तुम लोगों को, कौन सी सेल पार्टिसिपेट करेगी तो प्लेटलेट, कौन सा विटामिन पार्टिसिपेट करेगा तो विटामिन के, कौन सा मिनरल पार्टिसिपेट करेगा तो कैल्शियम, ठीक है, कौन सी प्रोटीन जिसके बिना ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो सकती तो फाइब्रिनोजन। ओके चार चीजें बता दी, रिपीट कर देंगे एंड में अगर अभी नहीं समझ में आई। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंस्ट्रूमेंट यूज टू डिटरमाइन RBC काउंट, यानी कि शरीर में एक सेल जो सबसे ज्यादा पाई जाती है यानी कि RBC, उसको किस यंत्र, किस उपकरण की सहायता से नापा जाता है, मेजर किया जाता है, आंसर देना है इस क्वेश्चन का। देखते हैं कितने लोग आंसर, गाइज आंसर दीजिए, बातें मत करो लाइव चैट पे। शोभत जी कह रहे हैं हीमोसाइटोमीटर, यानी कि ए, मुझे लग रहा है सबका ही आंसर ए आ रहा है, सही है, सही है आंसर, बिल्कुल सही। सो वो इंस्ट्रूमेंट जो RBC को मेजर करता है वो होता है हीमोसाइटोमीटर। हीमोसाइटोमीटर RBC का काउंट डाउन करने में सहायक होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नोटिफिकेशन नहीं मिलता, ओके वी विल चेक इट, और नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिलने लगेगा। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव होए, ठीक है चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे कोल्ड ब्लडेड प्राणी होते हैं ऐसे ही वार्म ब्लडेड भी होते हैं। सो अब चार ऑप्शन में बताना है कि निम्न में से कौन सा गर्म खून यानी कि वार्म ब्लडेड एनिमल है। वेल कह रहे हैं सब लोग, ठीक है, और मुझे लग रहा है सही भी हैं। वेल आंसर इज वेल, यानी कि वार्म ब्लडेड में वेल, कोल्ड ब्लडेड में टॉर्टाइस, ठीक है याद कर लो। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बताते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी थोड़ा सा टाइम निकल गया था हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि विच डिसीज इज ऑल्सो नोन एज अ क्रिसमस डिसीज, इनमें से कौन सा ऐसा रोग जो क्रिसमस रोग के नाम से जाना जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कमॉन गाइस क्वेश्चन का आंसर। थोड़ा सा एनर्जी कम लग रही है तुम लोगों की, वो बहुत जल्दी वाले जो कमेंट पढ़ते हैं ना वो नहीं पढ़ रहे हैं। कमॉन एनर्जी दिखाओ, जल्दी आंसर करके दिखाओ। पूछ रहा है कि कौन सा डिसीज क्रिसमस डिसीज के नाम से जाना जाता है। एनीमिया का आंसर आ रहा है, हीमोफीलिया का भी आंसर आ रहा है, ठीक है। बद्री जी कह रहे हैं सी, ओके सो सी इज द राइट आंसर। हीमोफीलिया जो होता है जिसमें बेसिकली ब्लड क्लॉट नहीं होता या कहिए ब्लड क्लॉटिंग में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, उस डिसीज को हम हीमोफीलिया के नाम से जानते हैं, जो एक जेनेटिक डिसीज है, जो एक अनुवांशिक रोग है, जिसे हम क्रिसमस रोग या क्रिसमस डिसीज के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है, ओके सो राइट आंसर इज सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। भगत सिंह बघेल, आपका नाम क्यों नहीं लेंगे भैया, दुश्मनी नहीं ना है आपसे, नाम बिल्कुल ले लिया, देख लीजिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा भगत सिंह जी, और आपसे आंसर जानना चाहूंगी इस क्वेश्चन का कि व्हाट इज अ नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, यानी कि मानव शरीर में शर्करा का जो ग्लूकोज का लेवल पूछ रहे हैं, शर्करा यानी कि ग्लूकोज का जो नॉर्मल लेवल है वो क्या होता है। प्रमोद जी ने काफी अच्छे से उस चीज को लिख दिया है कि हीमोफीलिया कॉल्ड क्रिसमस डिसीज। थैंक यू प्रमोद जी, गुड मॉर्निंग ड्रीम, आंसर करो। 120, 150, ओके। सोबित मित्रा कह रहे हैं राइट है या नहीं। ओके, सही आंसर सोबित मित्रा जी कि 120 to 150 का जो नंबर है वो आपके एक नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल पे आता है या ब्लड शुगर वो कहलाता है। ठीक है, सो वो आपका एक स्टैंडर्ड है, 80 to 90 नहीं होगा, वो काफी डाउन हो जाता है उसके हिसाब से। ठीक है, सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और बताते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाइपरटेंशन इज अ टर्म यूज्ड फॉर, हाइपरटेंशन बेसिकली किस चीज के लिए यूज किया जाता है हाइपरटेंशन। सिद्दीकी जी से मैं एग्री करती हूँ, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन गाइस, लेट भले हो गया था परंतु हिट द लाइक बटन तो कर ही दो यार। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हाइपरटेंशन। देखो अभी तो उन्होंने आपसे नॉर्मली पूछ लिया है कि हाइपरटेंशन टर्म यूज्ड, इसका आंसर बताते हैं सी। वैसे सब लोग सही कर रहे हैं कि इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर यानी कि रक्त दाब में अगर वृद्धि हो, आपका ब्लड रक्तचाप में वृद्धि हो या ब्लड प्रेशर में इंक्रीमेंट हो तो उसको हम हाइपरटेंशन कहते हैं। लेकिन कितने लेवल तक, तो 180 अगर सिस्टोलिक प्रेशर आपका 180 पहुंचे तो उस कंडीशन को हम हाइपरटेंशन की कैटेगरी में रखते हैं। क्लियर, आई रिपीट, अगर सिस्टोलिक प्रेशर 180 की कैटेगरी में पहुंचे, 180 डिग्री तक पहुंचे तो उसको हम हाइपरटेंशन कहते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ मनीष जी, ये वीडियो आप बाद में भी देख सकते हैं, जो भी मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बता रही हूँ वो बैठ करके आप एक बार नोट कर सकते हो दोबारा भी, ये यूट्यूब पे नॉर्मल रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द लार्ज अमाउंट ऑफ शुगर प्रेजेंट इन ह्यूमन ब्लड इज, यानी कि निम्न में से कौन सी ब्लड की का जो मात्रा है वो सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो वैसे वाले क्वेश्चन में, ब्लड शुगर लेवल वाले में, मैंने थोड़ा सा उस चीज को बोल दिया था तो मुझे लगता है आंसर देने में आप बिल्कुल सही है। स्वप्ना जी, टाइम चेंज नहीं होगा, 8:30 फिक्स टाइम है जीएस की क्लास के लिए। सब बी कह रहे हैं, राजकुमार गुप्ता भी कह रहे हैं, सोनी जी भी कह रहे हैं, धर्मेंद्र, अजय, गौरव, जय, सनी, विकास, सलमान खान भी मेरा शो देखता है, वाह। चलो, सो राइट आंसर इज द ग्लूकोज, आपका जो ब्लड में सबसे ज्यादा शुगर का लेवल होता है वो ग्लूकोज है, ग्लूकोज आपके सबसे ज्यादा इसमें मिलती है। अच्छा, एक चीज एक्स्ट्रा बता देते हैं कि लिवर जो है वो लिवर ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का काम करता है ताकि ब्लड में बहुत ज्यादा ग्लूकोज ना हो पाए। आई रिपीट, लिवर जो है वो ब्लड में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का काम करता है। क्लियर, चलो नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाइट ब्लड सेल्स एक्ट, हमने प्लेटलेट्स का फंक्शन देख लिया था, आरबीसी का मैं आपको बता दूंगी, डब्ल्यूबीसी के फंक्शन का क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए आंसर करिए कि डब्ल्यूबीसी क्या काम करती है या डब्ल्यूबीसी का क्या फंक्शन है। अंगद जी, इफ यू आर न्यू देन प्लीज क्लास का टाइम नोट करिए कि 8:30 क्लास डेली होगी जीएस की, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एज वेल एज, आप क्योंकि न्यू है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। ओके, डिफेंस सब लोग आंसर कर रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर कर रहे हो तुम लोग। सो आपकी डब्ल्यूबीसी जो है वो बॉडी में एक डिफेंस
इन्फेक्शन के उसमें काम करती है, यानी कि आपको प्रोटेक्ट करती है, आपकी बॉडी को बैक्टीरिया वगैरह से बचाने का काम करता है WBC। या आप ऐसा कह लो कि WBC शरीर में इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है। तो RBC ब्लड सेल्स को ऑक्सीजन और ब्लड को रेड कलर देता है, WBC बॉडी को इन्फेक्शन बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करता है, और प्लेटलेट्स ब्लड को क्लॉट होने में रिस्पॉन्सिबल होता है। तीनों सेल्स की तीनों फंक्शन कंप्लीट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनसफिशियंट ब्लड सप्लाई इन ह्यूमन बॉडी इज रिफर्ड एज, यानी कि अगर मानव शरीर में प्रॉपर जितना 5 to 6 लीटर ब्लड अगर नहीं है तो कौन सा रोग, कौन सा डिसीज होता है। कमॉन गाइस, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन का कि कौन सा रोग होगा अगर इनसफिशियंट ब्लड सप्लाई होती है तो, यानी कि आपके मानव रक्त में अपर्याप्त रक्त की पूर्ति होती है तो। क्लास 45 आर की होती है, बट आज थोड़ा सा लेट हो गया है तो थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आज मिलेगा, कल से ये चीज एकदम नॉर्मल होंगी। सो आंसर सब लोग कर रहे हैं कि हीमोस्टेसिस नहीं है। वेल, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे लग रहा था नहीं दे पाएंगे, तो कोई बात नहीं, जिन लोगों ने दिया उन लोगों के लिए कॉन्ग्रेट्स। सो इस क्वेश्चन का आंसर बेसिकली स्थानिक अरक्तता यानी कि इश्चीमिया आपकी इम्प्रॉपर ब्लड सप्लाई को डिफाइन करता है। अगर शरीर में पूरी तरह ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है तो इश्चीमिया नाम के रोग को बोला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। क्लास का टाइम 8:30 का है, 45 मिनट की क्लास होगी। अनिल सिंह जी, नोट कर लो इस बात को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द परसेंटेज ऑफ वाटर इन ब्लड प्लाज्मा बाय वॉल्यूम, यानी कि आपके शरीर में, आपके ब्लड में या ब्लड प्लाज्मा में वाटर का कितना परसेंटेज होता है। कम ऑन गाइस, क्वेश्चन का जल्दी से आंसर, थोड़ा सा टाइम कम है हम लोगों पर आज, क्योंकि टाइम वहां पर वेस्ट हो गया था इस वजह से। क्लास टाइम 8:30, ये तुम लोगों को समझ में नहीं आता क्या एक बार में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सो ब्लड प्लाज्मा में वाटर का परसेंटेज, तो ब्लड प्लाज्मा में जो वाटर का परसेंटेज है वो आपके ऑप्शन के हिसाब से अगर आप आंसर दो तो 90 होगा। इस क्वेश्चन का आंसर 90 होगा, लेकिन सही आपका यहाँ पे 92% होता है, और 92% वाटर और 8% कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट वगैरह होगा। ठीक है, सो क्योंकि हमें ऑप्शन के हिसाब से आंसर देना है तो यहाँ पे 90 इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जल्दी से बताते हैं आपको आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, यानी कि लाल रक्त कणिकाओं का जब आपकी जो ब्लड सेल्स बनती है, रक्त कोशिकाएं जब बनती है, तो उस प्रोसेस, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। अब जो आप लोग आंसर कर रहे थे ना पहले, वो आंसर यहां आना चाहिए। कम ऑन गाइस, क्वेश्चन का आंसर जल्दी से, थोड़ा सा जल्दी करेंगे आज क्योंकि टाइम वेस्ट हो गया था इस वजह से, बाकी कल से सब प्रॉपर होगा। ओके, सो राइट आंसर आपको बताते हैं कि भाई आपका वो प्रोसेस जो जिसमें आपकी ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है, तो वो प्रोसेस कहलाता है हीमियोपोइसिस, यानी कि रक्त उत्पत्ति, वो प्रोसेस है जिसमें ब्लड सेल्स बनती है। नोट कर लीजिए, फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। राइट आंसर गाइस, सॉरी मैं अभी नाम नहीं ले पा रही हूं, थोड़ा सा जल्दी है इसलिए, ताकि आपको पूरे 25 क्वेश्चन में करा दूं, मोटिव ये है। 23rd क्वेश्चन कह रहा है कि द सेल्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, वो कोशिकाएं जो आपकी एंटीबॉडीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो कोशिकाओं का नाम बताना है। देखो वही हम लोगों ने एक क्वेश्चन का फंक्शन पढ़ा था, और वही इसका, इस क्वेश्चन का आंसर भी है। देखते हैं, क्लास का टाइम मनीष चौधरी 8:30 है, ये कह रहे हैं सब लोग, यानी कि WBC। वेरी गुड, सही चीज समझे हो आप लोग। सो राइट आंसर इज WBC आपकी एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करती है, और एंटीबॉडीज बॉडी में इंफेक्शन और बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव होंगे। गुड मॉर्निंग गाइस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत लेट गुड मॉर्निंग है तुम लोगों का। स्टडी ऑफ ब्लड सेल्स
सॉरी स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड, यानी कि रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है या ब्लड के अध्ययन को हम क्या कहते हैं. ओके राइट आंसर देखते हैं जल्दी से कितने लोग कर रहे हैं राइट आंसर. हां जी इरशाद जी डेली होंगी क्लासेस, ये कह रहे हैं सब लोग. रुधिर विज्ञान ही आपकी हेमेटोलॉजी बेसिकली आपके ब्लड का स्टडी है. ठीक है अच्छा सेल्स का स्टडी इज कॉल्ड साइटोलॉजी. ठीक है मायोलॉजी स्टडी ऑफ मसल्स, नन ऑफ द अबव नन ऑफ द अबव. और आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ जल्दी से मूव होते हैं क्योंकि अब आज के लास्ट क्वेश्चन के बाद हम कल 8:30 सुबह मिलेंगे. सो देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन. ब्लड बैंक इन द बॉडी, आपकी बॉडी आपके शरीर में कौन सा किसे किस ऑर्गन को ब्लड बैंक कहा जाता है. क्वेश्चन अच्छा है जल्दी से आंसर करिए. हाँ डेली मेरी क्लास होगी 8:30 और मैं ही लूंगी अपनी क्लास. ओके सब लोग कह रहे हैं सी यानी कि बोन मैरो आंसर आ रहा है और स्प्लीन भी आंसर आ रहा है. सो बताते हैं क्या राइट हो. ठीक है सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है स्प्लीन यानी कि प्लीहा. आपका ब्लड बैंक जो होता है बॉडी में वो स्प्लीन को कहा जाता है, प्लीहा को कहा जाता है. ठीक है ओके सो गाइज आज के 25 क्वेश्चंस को हमने कंप्लीट किया. आज जो भी टेक्निकल इश्यूज हुए उनके लिए वेरी सॉरी. सो नेक्स्ट यानी कि कल मॉर्निंग 8:30 आप लोगों को मैं यहीं मिलूंगी एक नए टॉपिक के साथ. और इसी टाइम आप लोग आइएगा 8:30 पे, कल आप लोग आमंत्रित है, इन्वाइटेड है. एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक गाइज बटन एंड स्टे ब्लेस स्टे हेल्दी. अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिएगा. जो भी सजेशंस हो वो आप मेल मुझे कर सकते हैं, मेरी मेल आईडी आपको दिख जाएगी. सो जो भी क्वेश्चंस हो, जो भी टॉपिक बायो से रिलेटेड चाहते हो कि इस पर भी डाउट सेशन हो, इस पर भी एक क्वेश्चन सेशन हो, आप मुझे बता सकते हैं तो उस पर भी काम किया जाएगा. ठीक है आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच. डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड थैंक यू.